आदाब आधार अभिनंदन आप सबका। मैं अमित सहता आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किसी ऑब्जेक्ट के पीछे टेक्स्ट को लिखा जा सकता है। देखिए, ये एक कपल का फोटो है, नए कपल्स हैं और मैं एक दूल्हा दुल्हन का नाम लिखना चाहता हूँ कपल के फोटो के साथ में। तो मैंने सबसे पहले काम क्या किया, मैं एक नई लेयर बनाऊंगा। नई लेयर बनाने के बाद मैं एक टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैंने यहां पर एंड लिख दिया। इस एंड को जो कपल है इसको मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट लेके सेलेक्शन ले लिया है। सेलेक्शन लेने के बाद मैंने इसको क्लिप मास्क कर दिया, देखा आपने, और वो एंड के अंदर चला गया। फिर मैंने एक और नई लेयर बनाई उसके ऊपर की, और मैंने जो ऊपर वाली लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर कपल की जो है, उसके मास्क में जाकर मैंने रब कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने, आप किसी भी टेक्स्ट के अंदर भी किसी भी फोटोग्राफ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ अच्छा सीखा होगा आपने। आप और भी इस टाइप के टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के बिहाइंड में कोई भी चीज़ें आप लगा सकते हैं। कपल के अलावा कोई लेडी लगा सकते हैं, किसी लड़के को लगा सकते हैं, मैराथन करते हुए लोगों को लगा सकते हैं, टेक्स्ट के ऊपर दौड़ते हुए लोगों को कर सकते हैं। तो ये आपकी डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।